अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर महविश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटर फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान की एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान जो है बड़ा इफेक्टिव डाइट प्लान है, जिससे आपका वज़न तेज़ी से और हेल्दी तरीके से कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:18 की रेशियो में करते हैं, मतलब 16 घंटे आपने फास्ट करना होता है और 8 घंटे आपने खाना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की कंप्लीट डिटेल मैंने एक सेपरेट वीडियो में शेयर की हुई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग विंडो के अंदर आपने क्या खाना है, ईटिंग विंडो के अंदर आपने क्या खाना है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन, कि मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करती हूँ। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो ईटिंग विंडो है उसमें क्या खाना है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ईटिंग विंडो के अंदर मैं क्या खाती हूँ और अपने नाश्ते में क्या लेती हूँ, दोपहर के खाने में क्या लेती हूँ और अपना जो लास्ट मील है उसमें क्या लेती हूँ। सो आपने वीडियो कम्प्लीट देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माई चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रेकफास्ट में मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइस और साथ में 1 कप चाय का। 2 ब्रेड के स्लाइस के साथ, 1 के साथ मैंने लिया है सिंपल नमक वाला ऑमलेट और दूसरा मैंने लिया है पीनट बटर, आधा चाय का चम्मच पीनट बटर, और उसके ऊपर मैंने आधा केला और स्ट्रॉबेरीज रखी हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2 ब्रेड के स्लाइस के साथ 2 अंडे भी ले सकते हैं, अगर आप पीनट बटर को अवॉइड करना चाहते हैं, और साथ में 1 कप चाय का। और ये सुबह 10 बजे मैंने अपना पहला मील लिया है और इससे मैंने ब्रेकफास्ट किया है। ये मेरा पहला मील जो सुबह मैंने 10 बजे लिया है। उसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब मैंने सिंपल जो घर में उबले हुए चावल हैं और साथ में सालन है और साथ में सैलड ली है। सैलड में मैंने खीरे, टमाटर, पालक और साथ में केल ली है। आपके पास जो भी फ्रेश ग्रीन सैलड है उसका इस्तेमाल करें, कोशिश करें सलाद के पत्तों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जो लीफी ग्रीन्स होते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 7 से 8 खाने के चम्मच लिए हैं, जो कि 2 पोर्शन बनते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ये राइस हैं और ये बीज उतार के पके हुए चावल हैं, इसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। सो ये 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर आपने पोर्शन कंट्रोल वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि पोर्शन कंट्रोल आपने कैसे करना है। और उसके साथ मैंने 3 से 4 चम्मच आपने लेने हैं सालन, या आलू गोभी का सालन पका हुआ है, आप चाहें तो कोई भी सालन है उसके ऊपर से ऑयल रिमूव करके ले सकते हैं। इसके अंदर जो की है वो ये है कि आपने अपनी प्लेट को आधा जो है वो सैलड से भर लेना है और आधे में अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पोर्शन रखना है। सो ये मेरा मील था जो मैंने दोपहर 2 बजे लिया। उसके बाद आखिरी मील मेरा मैंने 5 बजे लिया है और ये मूंग मसूर की दाल का बाउल है और साथ में फ्रेश सैलड है। इसके लिए मैंने 4-4 चम्मच मूंग की दाल और 4 चम्मच मसूर की दाल को पहले भिगो के रख दिया था। उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप पालक है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 1 छोटा सा टमाटर है। एक पैन के अंदर सबसे पहले 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है, उसके बाद आपने 1 छोटे साइज़ का मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट उसके अंदर गोल्डन कर लेना है। जब आपका लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो जाए तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेना है और ज़ीरा डाल के भून लें आप। उसके बाद आप उसमें टमाटर शामिल करें, आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद पालक शामिल करें, पालक के अंदर एडिड बेनिफिट है, आप ज़रूर पालक का इस्तेमाल करें इस दाल के बाउल के अंदर। अब चाहें तो आप इसमें गोश्त भी डाल सकते हैं, बट आई कैप्ट इट सिंपल। और इसके बाद 4 चम्मच मूंग और 4 चम्मच मसूर की दाल जो आपने पहले से भिगो के रखी हुई थी वो शामिल करें, और 1 बड़ा कप पानी शामिल करें, नमक, हसबे जायका, कुटी लाल मिर्च, उसके साथ हल्दी पाउडर शामिल करके इसको ढक के पका लें। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद आपकी दाल पक जाएगी और ये रेडी है। इस पर कोई किसी किस्म का तड़का नहीं लगाना आपने, क्योंकि पहले ही ऑयल डाल दिया है। और ये 2 से 3 सर्विंग बनती है। इसका पूरा बाउल भर के साथ में अपनी पसंद की सैलड लें। और ये 5 बजे आखिरी मील लिया है मैंने। सो ये थी मेरी कंप्लीट इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन, कि मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ, दोपहर के खाने में क्या लेती हूँ, फर्स्ट मील और सेकंड मील मेरा क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।